हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट्स हियर। टुडे आई विल टेल यू वेरी इजी मेथड एंड ट्रिक्स ऑफ ए व्हाट्सएप। जी हाँ, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा ट्रिक जो बहुत ही इजी है, जिसको जान लेने के बाद आप अपने फ़ोन की मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स आप अपने फ़ोन की मेमोरी को काफ़ी हद तक उसको सेव कर सकते हैं, उसको फ्री अप कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, लोग व्हाट्सएप चलाते रहते हैं और बहुत सारे ऐप चलते रहते हैं, जिसके वजह से उनकी फ़ोन की मेमोरी क्या हो जाती है, भर जाती है, और उनको पता भी नहीं चलता कि मेरी फ़ोन की मेमोरी इतनी ज़्यादा भर कैसे गई। तो मैं आज आपको उसका कंट्रोल करने का एक तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिए और उसको अपने फ़ोन में अप्लाई करिए। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि मैं आप फ़ोन स्टोरेज आप देख रहे हैं, मेरा फ़ोन स्टोरेज है। इस फ़ोन स्टोरेज अक्सर आप ही देखेंगे, आप फ़ोन स्टोरेज क्या हो जाता है, भर जाता है। आप देखेंगे फ़ोन स्टोरेज काफ़ी हद तक मेरा धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद ये बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे ये इस तरह से फिल होता चला जाएगा। तो अब मैं इसको कैसे बचाऊं, इसको बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने व्हाट्सएप में जाइए, व्हाट्सएप में कुछ सेटिंग होती हैं जिसको आप यूज़ करके आप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ फ़ोटोज़ में भेज रहा हूँ अपने व्हाट्सएप में, ये मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब क्या हुआ कि ये मैंने जिस व्हाट्सएप भेजा है, उस व्हाट्सएप में मैं जाके देखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, डाउनलोड हो गया बिना मुझे यूज़ किए। ये मैं गया देखा तो ये देखिए वही सारे इमेजेस अपने आप पहले से ही डाउनलोड हो चुके हैं। हो सकता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत से व्हाट्सएप में मैसेज आते रहते हैं, वीडियो ऑडियो फ़ोटोज़, जिसके वजह से वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, डाउनलोड होते हैं। और हाँ, जिन लोगों का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उनका तो काफ़ी ज़्यादा डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया डेटा, फ़ोटोज़ग्राफ, ऑडियो वीडियोस आते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है बिना उनके यूज़ किए ही। जैसे ही डेटा ऑन होता है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। तो ऐसे में उनकी फ़ोन की मेमोरी क्या हो जाती है, भर जाती है। तो उसे कंट्रोल करने का मैं आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, उसे आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं अपने फ़ोन में अपने व्हाट्सएप में जाऊँगा, जो मेरा व्हाट्सएप है, जिसके वजह से मेरा ज़्यादा ज़्यादा डेटा भर जाता है। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट टैप है, इस पर आपको टच करना है। यहाँ एक सेटिंग है, इसके अंदर आप देखेंगे डेटा एंड स्टोरेज, इसको आप ध्यान से रखिएगा। ये डेटा एंड स्टोरेज ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपने फ़ोन की मेमोरी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है। यहाँ पर आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा एंड व्हेन कनेक्टेड वाईफाई, इस दो ऑप्शन को ज़्यादा ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है आपको, जब इसको आप टच करेंगे तो ये सारे क्या है, चेक बॉक्स हैं। किसी में एक टिक होते हैं, किसी में दो टिक होते हैं, किसी में चारों के चारों टिक होते हैं। आपको क्या करना है, इन चारों टिक को अनचेक कर देना है, इस तरह से अनचेक कर दिया। ओके, इसी तरह आप ऑन वाईफाई वाले में भी आप इस तरह से सारे चेक को अनचेक कर दीजिए। चेक करने के बाद बैक करिए और व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए। अब मैं इस चीज़ों को डिलीट करके फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ होता कैसे है। ये है, मैं कुछ फ़ाइल फिर से भेजता हूँ। चेक करने के बाद मैं फ़ाइल को फिर से भेजता हूँ। ये मैंने एक फ़ोटोज़ भेजी अपने व्हाट्सएप पे, ये सेंड हो गया सेंडर से, और मैं आप रिसीव करने जा रहा हूँ व्हाट्सएप में जाकर अपने। तो देखेंगे आप, वो
भेजा गया सेंड फोटोज़ अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। ये देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये कह रहे 79 KB का फ़ोटोज़ यहाँ है, 89 KB का फ़ोटोज़ यहाँ पर हैं, मतलब ये डाउनलोड अभी तक क्यों नहीं हुआ। जब तक मैं इस पर टच नहीं करूँगा तब तक ये डाउनलोड नहीं होगा। यही कंट्रोलिंग अगर आपके ऐप्स में मिल जाएगी आपको, तो आप बहुत ज़्यादा डेटा, अनवांटेड डेटा को ऑटोमेटिक डाउनलोड होने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में आपको जिस डेटा को ज़रूरत होगी, जिस फोटोग्राफ की ज़रूरत होगी, उसी को आप टाइप करके, टच करके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, और ज़रूरत होगी तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप इस तरह से अपने फ़ोन की मेमोरी को बचा सकते हैं और उसको भरने से रोक सकते हैं। तो यही एक आसान ट्रिक है, हो सकता है इस ट्रिक को बहुत लोग जानते होंगे। मैं इस वीडियो को उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो लोग नहीं जानते, काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है कि वो लोग नहीं जानते हैं, उनके फ़ोन की मेमोरी अक्सर शिकायत मिलती है कि मेरी फ़ोन की मेमोरी भर गई है, फिल हो गई है। हाँ, तो यही होता है कि व्हाट्सएप में लार्ज अमाउंट में डेटा व्हाट्सएप ग्रुप से और व्हाट्सएप से आता रहता है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहता है, और ये व्हाट्सएप की सिंपल सी सेटिंग के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है, और इस तरह से उनके फ़ोन की मेमोरी ना जाने अनवांटेड फाइल से भर जाती है, और वो उनके पास समय भी नहीं रहता कि इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिलीट कर सकें। यही इस वीडियो का बताने का मकसद है। आप इसको सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर आप नए हैं चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और भी वीडियोज़ और भी नई जानकारियाँ आपके मोबाइल तक पहुँच सके और दूसरों तक भी शेयर कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।